उसने ही जगत को बनाया है, कण कण में वही समाया है, दुख भी सुख में बदल जाए अगर सर पर महादेव का साया है। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर में घटित एक ऐसे अद्भुत चमत्कार के बारे में बताएंगे जो सीसीटीवी कैमरे में हो गया रिकॉर्ड। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगम चमत्कारों से परिपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से बस यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकाल महादेव समय के स्वामी हैं, जो समय को नियंत्रित करते हैं। दुनिया भर में सिर्फ उज्जैन ही एक ऐसा शहर है जहां से समय को मापा जाता है। राजा जयसिंह ने यहां पर यंत्रा नाम की एक लेबोरेटरी भी बनाई थी जो यहाँ आज भी मौजूद है। आर्यभट्ट जैसे पौराणिक गणितज्ञों से लेकर विदेशी गणितज्ञों ने भी महाकालेश्वर महादेव की नगरी उज्जैन का जिक्र किया है। दोस्तों, शास्त्रों में ये कहा गया है कि अकाशे तारकम लिंगम पताले हट के शरम। इसका अर्थ है कि आकाश में जो तारक शिवलिंग है, पाताल में जो हटकेश्वर शिवलिंग है, और मृत्युलोक यानी धरती पर जो महाकालेश्वर शिवलिंग है, इन तीनों शिवलिंग के सामने हम नतमस्तक हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड में यही तीन शिवलिंग समय का प्रतीक है। आज हम आपको उस दिव्य मंदिर में घटित एक चमत्कार के दर्शन करवाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महाकाल उज्जैन में हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होता रहता है। इन सभी चमत्कारों के बारे में मंदिर के पुजारियों को पता रहता है, लेकिन वे बाहरी दुनिया से इन सभी चमत्कारों को बचाते रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे हुए कैमरे में हो गया कैद। यूं तो यह घटना बाहर नहीं आती, पर मंदिर के चूक के कारण यह घटना किसी ने सार्वजनिक कर दी। रात में जब सभी पुजारी महाकालेश्वर शिवलिंग शिव की आरती करने के बाद गर्भगृह के पट बंद करके चले गए, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में यह साफ साफ देखने को मिलता है कि कोई अदृश्य आदमी शिवलिंग की आरती कर रहा है। यह मंदिर के अंदर गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ गौर करने वाली बातों पर। नंबर एक, फोटो को जूम करके देखने पर यह पता चलता है कि पीछे लगी घड़ी में 2:45 हुए हैं। ये रात का समय है, क्योंकि दिन के 2:45 पर तो मंदिर के पट खुले रहते हैं और यहाँ पुजारी भी रहते हैं। नंबर दो, महाकालेश्वर शिवलिंग को बेलपत्र से ढक दिया गया है। ऐसा सिर्फ रात में पट बंद करने के समय ही किया जाता है, और खासकर सावन के महीने में। नंबर तीन, यह खबर अखबार में भी आ चुकी है। हम इस चमत्कार को डिकोड भी करेंगे जिससे आपको विश्वास हो जाए, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से विनम्र विनती है कि कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। हम इसे इस प्रकार देख सकते हैं कि कोई आत्मा महादेव की आराधना करने रात में आई होगी। देवों के देव महादेव सभी के लिए पूज्य हैं, फिर वो चाहे भूत पिशाच असुर देवता या मनुष्य क्यों ना हो। यह अदृश्य आदमी कोई देवता या असुर भी हो सकता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित तीन मान्य शिवलिंग में से एक महाकालेश्वर शिवलिंग की आराधना के लिए आया हो। दोस्तों, आपको इस तस्वीर के बारे में क्या लगता है? क्या यह सच में एक चमत्कार है या फिर कुछ और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।